जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों हम अपने कंपनी लॉ के टॉपिक को जो चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। और हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सर लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है अगर सेक्शन 8 में जो रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं ना नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए, उनका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा अगर वो किसी और कंपनी के साथ अमलगमेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं किसी और, अपना जो जिस लिए रजिस्ट्रेशन उनको लिया गया मिला है वो रजिस्ट्रेशन अगर छोड़ देते हैं, अगर वो रजिस्ट्रेशन छोड़ देते हैं तो उनको उनका लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा। तो वही चीज़ें हैं जो हमने कवर कर ली थी, लेकिन अब देखने जा रहे हैं सर उसमें एक दो पॉइंट और रह गया था। प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड अनलेस द कंपनी इज गिवन अ रीजनेबल। भैया कोई भी ऐसा ऑर्डर कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती कंपनी को बिना बताए हुए। कंपनी को मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। हम 57 नंबर पेज पे पॉइंट नंबर 7, वेयर अ लाइसेंस इज रिवोक्ड अंडर सबसेक्शन 6, अगर लाइसेंस रिवोक हो जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट की जो इमेज है, नॉट फॉर प्रॉफिट टाइप से जो रजिस्ट्रेशन लिया है, उस जो लाइसेंस दिया गया अगर वो हटा दिया जाता है, रिवोक कर दिया जाता है, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज़ एसेंशियल इन द पब्लिक इंटरेस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट में, पब्लिक की भलाई में ये ज़रूरी है, इसका लाइसेंस कैंसिल कर देना, तो वो कर देगी। दैट द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शुड बी अमलगमेटेड विद अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन एंड हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट देन नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग टू द कंट्रारी कंटेंट इन दिस एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाई ऑर्डर प्रोवाइड फॉर सच अमलगमेशन टू फॉर्म अ सिंगल कंपनी विद सच कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टीज पावर राइट इंटरेस्ट अथॉरिटी एंड प्रिविलेजेस एंड विद सच लाइबिलिटी ड्यूटीज एंड ऑब्लीगेशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इसके अमलगमेशन करने से कंपनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दूसरी कंपनी भी सेम नेचर की है, दूसरी कंपनी का भी यही काम है, तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर सकती है, भैया ठीक है तुम मिल के काम कर लो, अमलगमेट हो जाओ, ठीक है। लेकिन अगर अलग ऑब्जेक्ट है तो फिर कैंसिल कर देंगे। नाउ सेक्शन पॉइंट नंबर 8, इफ ऑन द वाइंडिंग अप और डिजोल्यूशन ऑफ, वाइंडिंग अप मतलब बंद करना, डिजोल्यूशन मतलब खत्म करना, अगर कंपनी खत्म हो रही है रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन जो इस सेक्शन में रजिस्टर्ड हुई है, देयर रिमेन्स आफ्टर द सेटिस्फेक्शन ऑफ इट्स डेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो भैया लाइबिलिटी और डेट को ख़त्म करना पड़ेगा, कर्जे को ख़त्म करना पड़ेगा कंपनी को। एनी एसेट दे मे बी ट्रांसफर टू अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन एंड हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज द ट्रिब्यूनल में इम्पोज और मे बी सोल्ड एंड प्रोसीड देयर ऑफ क्रेडिटेड टू द रिहेबिलेशन एंड इंसॉल्वेंसी फंड फॉर्म अंडर सेक्शन 270-269। तो अगर कंपनी खत्म हो रही है तो उनके पास जितने भी असेट है वो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स वाली अदर कंपनी को दे देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से लेके, नहीं तो उनको सेल कर दिया जाएगा और रिहेबिलेशन इंसॉल्वेंसी फंड में ये पैसा चला जाएगा। लाइबिलिटी पे ऑफ कर देंगे, असेट को भी सेल कर देंगे, असेट सेल कर या तो असेट ऐसी कंपनी को ट्रांसफ़र कर दो जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट है, जो काम आप कर रहे थे वही कोई और भी कर रहा है, नहीं तो फिर बेच के रिहेबिलेशन इंसॉल्वेंसी फंड में चला जाएगा। पॉइंट नंबर 9, ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन सेल अमलगमेट ओनली विद अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन एंड हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट। कंपनी उसी कंपनी से अमलगमेशन कर सकती है जो इसी जिसने इस सेक्शन में रजिस्ट्रेशन लिया, मतलब मैंने मेरी कंपनी अगर सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है नॉट फॉर प्रॉफिट का, तो मैं अपनी कंपनी का अमलगमेशन मर्जर किसी और से तभी कर पाऊंगा जब उसने भी सेक्शन 8 में ही रजिस्ट्रेशन लिया होगा एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करके, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 10, इफ़ अ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स लेड डाउन इन दिस सेक्शन, अगर कंपनी कोई भी डिफॉल्ट करती है कोई भी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में, द कंपनी शैल विदाउट प्रेजिडाइज टू एनी अदर एक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन बी पनिशेबल, तो उसको भैया फाइन देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी उसको, क्या नॉट लेस देन 10 लाख, कम से कम 10 लाख रुपये की फाइन है, बट विच मे बी एक्सटेंड टू 1 करोड़, 1 लाख से 1 करोड़ के बीच में उसको फाइन देना पड़ेगा अगर कोई भी लॉ को पूरा नहीं करते हैं ऐसी कंपनीज। और जो भी डायरेक्टर है जो भी ऑफिसर है इंचार्ज वो सारे डिफॉल्ट माने जाएंगे, उनको जेल भी हो सकती है, पनिशमेंट मिलेगी, कब तक कितने समय की जेल हो सकती है 3 साल तक की, फाइन भी देना पड़ेगा नॉट लेस देन 25,000, 25,000 पेनल्टी और 3 साल की जेल, बट विच में भी एक्सटेंड टू 25 लाख, और 25,000 को जिसको बढ़ा के 25 लाख भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट
When it is proved that the affair of the company were conducted fraudulently, every officer in default shall be liable for section of action for of section 447. अगर ये प्रूफ हो जाता है कि इसके ऑफिसर गलत काम कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे, तो उन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा सेक्शन 447 के अकॉर्डिंग। तो अब सर एनपीओ के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल, जैसे शिक्षा एनजीओ है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की, ये सब क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम देखने जा रहे हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है सर, निधि कंपनी। ये निधि कंपनी क्या है? निधि मीन्स ए कंपनी विच हैज़ बिन इनकॉर्पोरेटेड एज ए निधि विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग इट्स मेंबर। मतलब ये छोटी कंपनी होती है, कुछ मेंबर्स की बेनिफिट के लिए होती है, वो अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, सेविंग्स करते हैं, रखते हैं, डिपॉजिट्स रखते हैं, और बदले में उनको पैसा, किसी को हेल्प चाहिए तो लोन मिल जाता है। रिसीविंग डिपॉजिट्स फॉर्म एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर ओनली फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, सिर्फ उन्हीं मेंबर्स के बेनिफिट के लिए ये क्रिएट किया जाता है, एंड विच कंप्लाइज विद सच रूल्स एज आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनी। इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। निधि कंपनी हैव डिफरेंट नेम्स, निधि कंपनी के नाम अलग अलग हो सकते हैं, क्या, परमानेंट फंड, बेनिफिट फंड, म्यूचुअल बेनिफिट फंड, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी। निधि आर मोस्ट पॉपुलर इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है, एंड लोकलाइज सिंगल ऑफिस इंस्टीट्यूशंस। निधि आर नॉट मच व्हेन कंपेयर टू ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर, मतलब बैंकिंग सेक्टर काम ये बैंक की वाला ही कर रही है, निधि कंपनी अपने ही मेंबर के लिए कर रही है, अपने मेंबर से सेविंग ले रही है, किसी को मदद दे रही है, लोन भी दे रही है, लेकिन बैंकिंग की तरह इतना काम नहीं कर पा रही है। इट इज़ कम अंडर NBFC, ये कंपनी कहाँ आती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में। RBI इज एम्पावर्ड टू इशू डायरेक्शन टू दैम इन मैटर्स रिलेटिंग टू डिपॉजिट एक्सेप्टेंस एक्ट। RBI के पास पावर है कि ऐसे निधि कंपनीज को ऑर्डर डायरेक्ट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जैसे वो बैंकिंग को करते हैं। वेयर एज RBI एग्जेम्प्टेड द नोटिफाइड निधिज फ्रॉम द कोर प्रोविजन ऑफ द RBI, RBI चाहे तो एग्जेम्प्ट भी कर सकती है कुछ ऐसे निधि कंपनीज को कि भैया तुम हमारे कंप्लेंस को ना भी मानो तो चलेगा, एंड अदर डायरेक्शंस एप्लीकेबल टू NBFC, और कुछ और जो डायरेक्शंस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस के लिए हैं। आजकल कई लोग हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, तो जो ऐसे लोगों के लिए RBI ने जो रिलैक्सेशन दिया वही निधि कंपनी को भी मिल जाती है। तो निधि कंपनी बेसिकली एक ऐसी छोटी कंपनी है जो अपने ही मेंबर्स के, अपने ही रजिस्टर्ड मेंबर के बेनिफिट के लिए काम करती है, उनसे डिपॉजिट लेती, उनको लोन भी दे देती है, जैसे फंड के नाम से होते हैं, परमानेंट फंड, बेनिफिट फंड, म्यूचुअल बेनिफिट फंड, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, इस टाइप से। RBI अपना काम भी कर सकती है, रोल भी निभा सकती है, RBI इंस्ट्रक्शन भी दे सकती है, ठीक है, चाहे तो एग्जम्पशन भी दे सकती है। अब हम देखने जा रहे हैं इलीगल एसोसिएशन, इलीगल एसोसिएशन। लीगल क्या होता है, कानूनी, और इलीगल क्या हो जाएगा, गैर कानूनी। तो सेक्शन 464 प्रोहिबिशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ पर्सन एक्सीडिंग सर्टेन नंबर। पार्टनरशिप ऑफ पर्सन मतलब पार्टनरशिप में जितने भी पर्सन होते हैं, अगर वो एक्सीड कर जाते हैं तब तो इलीगल हो गए, फिर पार्टनरशिप रही कैसे, क्योंकि पार्टनरशिप में एक लिमिटेशन है, नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन सच नंबर ऑफ पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस दैट हैज़ फॉर इट्स ऑब्जेक्ट द एक्विजिशन ऑफ गेन बाय द एसोसिएशन और पार्टनरशिप और बाय द इंडिविजुअल मेंबर देयर ऑफ अनलेस इट इज रजिस्टर्ड एज ए कंपनी अंडर दिस एक्ट और इज फॉर्म्ड अंडर द एनी अदर लॉ टाइमिंग इन फोर्स। मतलब ये कि सर अगर जितने बंदों की ज़रूरत है पार्टनरशिप में, अगर उसकी लिमिट को क्रॉस कर देते हैं तो वो इलीगल हो जाएगी, प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ पर्सन विच में बी प्रिस्क्राइब अंडर दिस सबसेक्शन शैल नॉट एक्सीड 100, 100 नंबर बंदों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू अ HUF, ये HUF पे एप्लीकेबल नहीं है, AOP पे एप्लीकेबल नहीं है, BOI पे नहीं है। मतलब आपने पार्टनरशिप से ज़्यादा जितने मेंबर होने चाहिए उससे ज़्यादा अगर ले लिया तो वो तो कंपनी में कन्वर्ट हो गई, और कंपनी ऐसी कंपनी इलीगल कहलाएगी। एवरी मेंबर ऑफ एसोसिएशन और पार्टनरशिप कैरिंग ऑन बिजनेस इन कंट्रावेंशन सबसेक्शन 1 शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़, 1 लाख तक की फाइन दे सकते हैं, देनी पड़ेगी आपको, और जो भी पर्सन है वो लाइबल हो जाएंगे, लाइबिलिटी इनकर, जो भी ऐसे बिजनेस में लाइबिलिटी इनकर होगी वो सारे मेंबर उसके लिए एप्लीकेबल लाइबल हो जाएंगे। तो कंपनी लाइबल नहीं रहेगी, वो मेंबर लाइबल हो जाएंगे, जैसे पार्टनरशिप बिजनेस में होता है।
ऐसे कंपनी का नो लीगली कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कोई लीगली एनफोर्स नहीं होगा, कैन नॉट फाइल केस और सू और मेंबर और एन आउटसाइड, आउटसाइड मतलब ना ये अपने मेंबर पे केस फाइल कर सकते हैं ना ही किसी आउटसाइडर पे फाइल करते हैं, जो एक जो इलीगल कंपनीज होती हैं। तो सर इलीगल कंपनी वो होती हैं, वो पार्टनरशिप फर्म होती है या कोई एसोसिएशन जो अपने एक्स जो मैक्सिमम नंबर की लिमिट को एक्सीड कर देती हैं और फिर भी बिजनेस करते रहते हैं, तो वो इलीगल कंपनी में फॉल कर जाते हैं। लेकिन ये एच यू एफ पे अप्लीकेबल नहीं है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे अप्लीकेबल नहीं है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल पे अप्लीकेबल नहीं है। और सर ऐसे लोग जो काम करते हैं तो ये लीगली कोई भी उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, सब कॉन्ट्रैक्ट बेकार माने जाएंगे सारे के सारे, ना ये किसी को केस कर सकते हैं ना कोई इन पे केस कर सकता है ना, इनकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने अपने इस चैप्टर को फिनिश किया है। क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं इसमें। डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट कंपनी एंड फॉरेन कंपनी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप आसानी से दे सकते हैं इसका जवाब कि सर गवर्नमेंट कंपनी क्या है। फॉरेन गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग होती है, स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिला के अंडरटेकिंग होती है, इसमें 50% या उससे ज़्यादा कि जो वोटिंग राइट्स होते हैं। फॉरेन कंपनी सर विदेश में कोई रजिस्टर्ड होती है, इनकॉर्पोरेट होती है कंपनी, उनका इंडियन प्लेस ऑफ बिजनेस होता है। डोरमेंट कंपनी इज एन इनएक्टिव कंपनी, एक्सप्लेन ये बिल्कुल सही है। डोरमेंट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो एक्टिव नहीं होती है, इनएक्टिव होती है, जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के लिए पहले ही बना के बैठे रहते हैं कि उसके पास सारे असेट्स हैं, सारी चीज़ें तैयार हैं, फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार हैं, तो डोरमेंट कंपनी एक्सप्लेन कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स इलीगल एसोसिएशन आसानी से भी बता सकते हैं कि सर वो एसोसिएशन या फिर पार्टनरशिप जो अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन की लिमिट को क्रॉस कर देते हैं और फिर भी काम करते जा रहे होते हैं, तो ऐसी कंपनी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इलीगल एसोसिएशन कहलाती हैं। और फिर इनके कॉन्ट्रैक्ट्स बेकार हो जाते हैं, ना लोग कोई इन पर केस कर सकता है, ना ये मेंबर पर केस करते हैं, ना मेंबर इस कंपनी पर केस कर सकता है, जितने भी मेंबर हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, सारे मेंबर को फाइन देना पड़ जाता है, तो ये सारे के सारे। फिर निधि कंपनी, हम निधि एक छोटी कंपनी होती है, अपने ही मेंबर्स के लिए काम करती है, मेंबर्स से डिपॉजिट भी लेती है, मेंबर्स को लोन भी देती है, मेंबर को उससे इंटरेस्ट भी चार्ज कर लेती है, आरबीआई भी रेगुलेट कर सकती है, आरबीआई एग्जेम्पशन भी दे सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अप्रूवल लेनी पड़ती है निधि कंपनी को, तो ये सब ने देख लिया। प्रोड्यूसर कंपनी, ये शायद प्रोड्यूसर कंपनी हमने कवर नहीं किया, देख लीजिएगा शायद किया हो या ना एक बार, नहीं तो फिर इसको भी कवर कर लेंगे। फिर ये सारे MCQ हैं सर। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल किसकी होती है? ए गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन हाउ मच शेयर कैपिटल, 51% से कम शेयर कैपिटल नहीं गवर्नमेंट की, ये ऐसे करके आप ये चेक कर सकते हैं। MCQ भी, कोई भी परेशानी होती है MCQ में भी, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने चैप्टर लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4 जो टाइप्स ऑफ कंपनीज को लेकर था, बहुत ही बड़ा टॉपिक था और बहुत ही सिंपल टॉपिक था, लेंथी है लेकिन सिंपल है अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप एक से दो बार इन वीडियोज़ को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लेसन नंबर 5, वो कंपनी कैसे बनाया जाता है सर, प्रोमोटर्स कौन होते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे लेते हैं कंपनी का, वो सारा कवर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।